मैंने आपको बता दी है। अब एक बात मुझे सर सोच के बताना, देखो ऑलमोस्ट यहाँ पर क्लास में अब जो भी बच्चा बैठा है ना, मेरे ख्याल से आपके जून में एग्जाम है, और सर जून में एग्जाम जब भी होते हैं मैं हर बैच के अंदर ये बात कहता हूँ कि जून वाले बच्चे के पास ना एक बहुत बड़ा खतरे वाली प्रॉब्लम होती है। अब बच्चा ये बात बोलता है सर खतरे वाली प्रॉब्लम कैसे, मतलब खतरा हमें क्यों है? सर एक बात मुझे सोच के बताओ, अब जिनकी भी एग्जाम दिसंबर के अंदर होते हैं ना, आप सब जानते हो दिसंबर में एग्जाम होते हैं, दिसंबर के एंड में, और इस बार एग्जाम हमारे वैसे ही लेट हो गए थे, और एग्जाम हमारे 26 दिसंबर को, तो कम से कम 26 दिन उनको पढ़ने को एक्स्ट्रा मिले थे। बट आपके जून में जब भी एग्जाम होंगे, आपके जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम होते हैं, और दूसरी बात आप सब जानते हो कि जून में आपके बीकॉम के एग्जाम भी होते हैं, और कमाल की बात पता है क्या है, ये हमें पता है स्टार्टिंग से पता है कि हमारे जून में बीकॉम के एग्जाम भी हैं, हमारे सीएस के एग्जाम भी हैं, बट आपको बीकॉम की याद पता कब आएगी? मार्च या अप्रैल में। और जब मार्च अप्रैल के अंदर क्या होगा, आपका सीएस के भी एग्जाम आने वाले होंगे, बीकॉम के एग्जाम भी होंगे, उस टाइम आपका माइंड इतना प्रेशर से भर जाएगा ना, आपको समझ ही नहीं आएगा कि उस टाइम मैं करूं क्या। और मैं ऑलवेज अपने हर बैच के अंदर ये बात कहता हूं सर, अगर आपका अभी से बैच स्टार्ट हुआ ना, प्लीज अपना शेड्यूल अभी से बना लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती पता क्या करते हैं, डेली क्लास में आते हैं, क्लास में घर जाते हैं, बस्ता रखते हैं, फिर बस्ता उठाते हैं, बस्ता रखते हैं, फिर बस्ता उठाते हैं, उनका 3-4 महीने ये काम चलते रहते हैं सर। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ सर, जून में रिविजन का टाइम बहुत कम होता है, आप चाहे ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, चाहे गूगल ड्राइव क्लास ले रहे हो, चाहे पेन ड्राइव, चाहे आप फेस टू फेस यहाँ पर बैठे हो, आप सब जानते हो आपके बैचेस जो होंगे ना वो खत्म कहाँ पर होंगे, अप्रैल एंड में या मई के फर्स्ट वीक में। अब अगर आपके एग्जाम अगर आपके बैचेस मई के फर्स्ट वीक में खत्म होंगे और एग्जाम आपके जून के फर्स्ट वीक में है, तो आपका सिर्फ 20 से 25 दिन जो होंगे वो रिविजन के लिए होंगे। अब अगर 25 दिन रिविजन के लिए हैं, अगर आपने बोथ ग्रुप देने हैं या इवन सिंगल ग्रुप भी देना, तो आप कैसे टाइम मैनेज करोगे? सर प्रॉब्लम पता है क्या, आपको ये सारी बातें पता है बट मानने को तैयार नहीं हो कि भैया मैं तैयारी कैसे करें, क्यों? आप ये सारी बातें तब अपने माइंड में लेके आओगे जब मार्च का महीना होगा, अप्रैल का महीना होगा, अभी स्टार्टिंग के जनवरी फरवरी के 2 महीना बिल्कुल वेस्ट करते हो। और मैं ऑलवेज ये बात कहता हूं सर, मैं सीएस में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे पता क्या लगती है कि जिनके एग्जाम जून में होते हैं वो बच्चा अब यहां से कोचिंग लेना स्टार्ट करेगा, और अगर अब कोचिंग लेना स्टार्ट करेगा उसकी कोचिंग मई के फर्स्ट वीक में खत्म होगी, और अगर मई के फर्स्ट वीक में खत्म होगी 20 से 25 दिन में वो रिविजन कैसे करेगा? तो भैया अगर आपने अभी से कोचिंग लेना स्टार्ट किया ना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डेली बेस पर आपने हर पेपर की घर जाके रिवीजन करनी है, आपने घर जाके नोट्स बनाने हैं, और जितना मिनिमम टाइम होगा वो अपने सोशल मीडिया पर लगाने, नहीं तो सर बिलीव मी आपके अगले 6 महीने कब आएंगे, मैं नहीं गलत बोलना चाहता प्लीज, मैं ऑलवेज यूट्यूब पर मैं कई बार बोल चुका हूं, और मैं आपको हमेशा ये बात कहता हूं सर, ये टाइम बार बार नहीं आता। जितने बच्चे यहां पर, अब सुबह सुबह एक बात मुझे बताओ, आप यहां पर उठकर आए हो ना, अब सर सोच के बोला जितने बच्चे, आपको पता है ये मेरी क्लास जो है ना वो गूगल ड्राइव पेन ड्राइव में यही सेम क्लास जाती है, ऑनलाइन वालों के पास ये सेम मेरी क्लास जाएगी। अब वो बच्चा, मैं ऑलवेज उनको भी ये बात कहता हूँ भाई, जब भी अगर तुम्हें क्लास देखनी है ना, आप कभी स्पीड फास्ट कर रहे हो, स्पीड कम करके देखते हो, कभी क्लास नहीं देख रहे, कभी क्लास देख रहे हो, सबसे बड़ी गंदी हरकत होती है सर। बट प्रॉब्लम क्या, बच्चा कहता है यार विवेक सर पागल है, विवेक सर का ना एक काम हो चुका है कि क्लास में 10 मिनट ना भैया वो समझाएंगे और उनकी बात मत समझना, अपना काम करते ना, बाकी सारी हंसते से करा गया। तो यार मैंने तो आपको स्टार्टिंग से ये बात कही है कि जब से मैं आपसे पढ़ा रहा हूँ सर, जिस दिन से मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने आपको दिल से पढ़ाया है, और मैं ऑलवेज ये बात कहता हूँ सर, टाइम वापस नहीं आता, आप जितना टाइम को मैनेज करोगे ना, टाइम आपकी उतनी रिस्पेक्ट करेगा। तो सिंपल सी बात यह है, जिनके एक ग्रुप हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जून में बोथ ग्रुप देने की सोच रहे हैं, और जितने बच्चे बोथ ग्रुप देने की सोच रहे हैं ना, अपना थोड़ा कम से कम आधा घंटा बैठकर सोचे कि 8 पेपर अगर न्यू सिलेबस के आपके हैं, कितना टाइम आपके पास रिवीजन करने के लिए है, कब आपकी कोचिंग खत्म होगी, कैसे आपने पढ़ना है, क्या शेड्यूल बनाना है, वो सारी बातें आज ही आपकी पता हो। ये नहीं अप्रैल में जाके कह रही हो सर मेरे को तो ना सेकेंड ग्रुप ना समझ नहीं आ रहा, तो क्या मैं फर्स्ट दे दूं बस? तो अगर आपने उस टाइम ये क्वेश्चन रिपीट करना है ना, तो इट मीन्स आप ये 4 महीने फिर वेस्ट कर रहे हो। तो मैं सर आज आपको इसलिए बात कहना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट क्लास के बाद मेरे पास आए थे, सर हमें बोथ ग्रुप देने हैं, कैसे तैयारी करें, लाइब्रेरी ज्वाइन करें, कौन सी लाइब्रेरी ज्वाइन करें? तो मैं ऑलवेज से बात करता हूँ, कहीं पर भी आप जाओ, एक तो बड़े बड़े ग्रुप मत बनाओ, और अपने आप पर बिलीव करो, क्योंकि अगर आपको अपने आप पर बिलीव नहीं, आप दूसरों पर बिलीव करके चलोगे सर, दूसरा तो ये चाहता है कि आप फेल हो जाओ, मैं पास हो जाऊँ। तो सिंपल सी बात यह है कि जिस बच्चे के मन में ये आ गया ना कि भैया मैं दूसरे के कहने पर चलूंगा, तो वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वो आज सुन ले, चाहे वो कल सुन ले। तो जितने बच्चे यहाँ पर मेरे सामने अभी बैठे हैं, और इवन मैं ये वीडियो कोशिश करूँगा मैं यूट्यूब पे भी डाल दूँ, जितने बच्चे ऑनलाइन क्लास भी मेरी लेते होंगे ना, ताकि उन्हें भी पता लग जाए कि भैया जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो, सिर्फ पढ़ने के लिए बैठो, क्योंकि सोशल मीडिया इस टाइम सबसे गंदी बीमारी है, जो मुझे लग रहा है मैं मेट्रो के अंदर भी देखता हूँ, मैं बाहर रोड पर भी देखता हूँ, मोबाइल में लगे पड़े हो, सुबह सुबह बच्चा क्लास के लिए आता है, पापा छोड़ने जा रहे हैं, मम्मी छोड़ने जा रही है, सुबह बच्चा पीछे एक्टिवा के पीछे बैठ के मोबाइल खोल के बैठा, सुबह सुबह 7 बजे पता नहीं कौन से मैसेज उसके आ रहे हैं। तो
तो कमाल की बात यह, सुबह 7 बजे आपके मैसेज आते हैं, रात को 2 बजे आपके मैसेज आते हैं, आप 3-4 घंटे की नींद देते हो, किस लिए? सिर्फ सोशल मीडिया के चक्कर में। आप इमेजिन भी नहीं कर रहे कि आपका माइंड कितना डंप होता जा रहा है। तो भैया आपने आपसे क्वेश्चन बोला कि आपको पहले करियर बनाना है, पहले सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको गुस्से हो रहा हूँ सुबह सुबह, सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जिनके भी एग्जाम जून में है वो बच्चा खतरनाक सिचुएशन के अंदर होता है। क्यों? पहली बात तो अमेंडमेंट बहुत सारी आती हैं, दूसरी बात उसको पढ़ने का टाइम कम मिलता है, तीसरी बात उसके बीकॉम के एग्जाम होते हैं। ये सारी बात को ध्यान में रखते हुए आपको हर चीज की तैयारी करनी है। आपको आज ही पता है ये प्रॉब्लम मेरे पास आएंगी, फिर आप मार्च में अगर मुझसे पूछोगे ना फिर बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है जी। तो प्लीज 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 मेरी पूरे के पूरे यहां पर बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आपने पढ़ना स्टार्ट करना है आज ही घर जाकर शेड्यूल बना लो अगले 4 महीनों का हमें पढ़ना कैसे है। और आपकी कोचिंग जहां पर भी चल रही है, अब जो बच्चे यहां पर मेरे पास आ रहे हैं ऑब्वियस बात है सर सारे बच्चों को मैं तो पढ़ा नहीं सकता, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता, देखो मैं ये बात कहता हूँ कि जितने आप बच्चे मेरे पास आए हो ना, और इवन आप मुझसे पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, मेरा एक स्टार्टिंग से बस एक रहा है कि जो बच्चा कहीं से ही पढ़ रहा है ना वो अपने टाइम के अंदर क्लियर हो जाए, ठीक है। और आप एग्जाम का लेवल देख ही चुके हो, इस बार न्यू सिलेबस का एग्जाम देखो सर बिल्कुल गिरा हुआ एग्जाम नहीं आया, GST आसान आया बट इनकम टैक्स में उन्होंने काफी सारे टेक्निकल पॉइंट्स पूछे हैं। तो अगर आपने सही ढंग तरीके से नहीं पढ़ा होगा एग्जाम का लेवल इंक्रीज भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट अगर आपने सारी क्लास अटेंड की है ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ओल्ड सिलेबस की मान लिया कि ओल्ड सिलेबस में गिरा हुआ पेपर आया था और ओल्ड सिलेबस का एक और अटेम्प्ट आ गया, तो भैया मैं तो ऑलवेज ये बात कहता हूं अगर ओल्ड सिलेबस का एक और अटेम्प्ट है तो आप ओल्ड में एग्जाम दो, न्यू में अभी मत कन्वर्ट कराओ, क्योंकि एग्जाम में भी आसान आए क्या पता वो रिजल्ट बढ़िया निकाले। आपने जितना अभी तक पढ़ा है वो ओल्ड के अंदर पढ़ा है, आप ओल्ड में ही एग्जाम दो, मेरे अकॉर्डिंग आप न्यू में कन्वर्ट कराने की मत सोचो। आपको नए पेपर पढ़ने पड़ेंगे, आपको अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, उसमें फिर आपको दिक्कत आएगी, फिर फ्रस्ट्रेशन लेवल होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये गलत है, मेरा ओपिनियन है, बाकी आपका सर लाइफ आपकी है, जैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात बस ये कहूंगा सर, जिस टाइम पढ़ने के लिए बैठो ना, जिस टाइम पढ़ने के लिए सिर्फ पढ़ाई करो, और आज से ही घर जाकर हर बच्चा अपना शेड्यूल बनाएगा कि अगले 4 महीने उसने करना क्या है। बात समझ में आ रही है? तो प्लीज ये बात ध्यान रखना सर। बाकी अब यहां तक अगर कोई डाउट्स है, बच्चा कह रहे वापिस आ जाओ सर आप बीच में पता नहीं कहां चले जाते हो, तो यहां तक अगर कोई डाउट्स है प्लीज पूछ लो, फिर हम आगे चलेंगे। अभी तक हमने सिर्फ ये बात किया भाई एक्ट आपके कौन कौन से हैं, एक्ट गवर्नमेंट क्यों बनाती है, कितने एक्ट बने हैं, रूल्स क्या है, नोटिफिकेशन सर्कुलर है, सारी बातें अभी तक हमने कंप्लीट की हैं। तो यहां तक अगर कोई डाउट है प्लीज पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ सकते हैं, चलो जी ठीक है।